वेलकम टू मूवीज एट एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म दम लगा के हैशा की। एक वक्त था जब हमारी हिंदी फिल्में एक आम आदमी और उससे जुड़ी समस्या को दर्शाती थी। बदलते वक्त के साथ साथ हमारे गांव का नौजवान हीरो बड़े शहर के छोटे घरों में पाया जाने लगा। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म टू अ मॉडर्न डे कॉर्पोरेट और अ रिच NRI गाय। बड़े बैनर्स जैसे कि यशराज, मुक्ता आर्ट्स, धर्मा प्रोडक्शंस, विशेष फिल्म्स एंड फ्यू मोर वे पायनियर्स इन एस्टैब्लिशिंग द रिच स्टाइलिश हीरोज एंड ग्रैंड सेटअप इन अवर हिंदी सिनेमा। लेकिन ये सारी फिल्में किसी महानगर या के विदेश में रहने वाले लोगों की कहानी बताती थी और एक आम आदमी और वो भी छोटे शहर वाले की कहानी धीरे धीरे गुमसी होने लगी। इसीलिए जब भी हम क्वीन, आंखों देखी, दो दुनी चार जैसी फिल्में देखते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली पे आधारित होती है, एंड रिजल्ट इज ओवरवेलमिंग। अब ये सेम यशराज बैनर जो कि अपनी ग्लैमराइज फिल्मों के लिए जाने जाते हैं नाउ कम्स अप विद अ यूनिक लव टेल ऑफ अ कपल रिसाइडिंग इन अ स्मॉल टाउन इन इंडिया। वैसे यशराज बैनर के लॉयल फैंस इस बैनर से लार्जर देन लाइफ या के ग्लैमराइज फिल्मों की अपेक्षा करते हैं और इसीलिए दम लगा के हैशा एक बोल्ड एंड रिस्की स्टेप दिखाई देता है फ्रॉम देयर साइड। तो इसीलिए चलिए जानते हैं कि क्या दम लगा के हैशा विल एड अप टू द एलीट लिस्ट ऑफ फील गुड फिल्म्स या के माइट स्ट्रगल हार्ड टू मैच अप टू द मैमोथ एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस जो कि एक वक्त पे रोमांटिक फिल्मों का दूसरा नाम था। दम लगा के हैशा फिल्म की कहानी सेट है मिड 90s में जहां पर प्रेम यानी कि आयुष्मान खुराना और उनके पापा यानी कि संजय मिश्रा एक ऑडियो कैसेट की दुकान चलाते हैं हरिद्वार में। प्रेम का परिवार थोड़ा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और इसीलिए वे लोग प्रेम की शादी रचाना चाहते हैं एक पढ़ी लिखी लड़की संध्या यानी कि भूमि पेडनेकर के साथ। प्रेम इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि उसे संध्या काफी मोटी लगती है और वो उसकी ड्रीम गर्ल की इमेज से टोटली ऑपोजिट है। संध्या प्रेम को काफी रिझाने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब साबित होती है और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे स्टोरी काफी यूनिक एंड फैसिनेटिंग है। दो द बेसिक प्लॉट लाइन आपको ऋषि कपूर, फरा, राधिका की फिल्म नसीब अपना अपना की याद दिलाती है लेकिन उसके अलावा द होल कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनली डिफरेंट। फिल्म के पहले सीन से ही आप 90s के सिंपलर टाइम्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो विद हेल्प ऑफ माइन्यूट डिटेलिंग अटैच्ड टू द फिल्म। फिल्म का पहला भाग स्वीट, फनी एंड एंजॉयबल है विद मेनी गुड मोमेंट्स अटैच्ड टू इट। फिल्म के सेकंड हाफ की शुरुआत में भी ऐसा ही चलता है लेकिन बाद में थोड़ी सी फिल्म ड्रैग होने लगती है एंड कुछ सीन्स फोर्स्ड या के ओवर द टॉप थे। साथ ही आयुष्मान और भूमि की बॉन्डिंग को दर्शाने के लिए कुछ और अच्छे मोमेंट्स होने चाहिए थे जिसके ना होते आयुष्मान का चेंज ऑफ हार्ट एंड एंड रेस का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। वही कैमरा वर्क की बात करें तो इट्स आउटस्टैंडिंग एंड टोटली कलरफुल एंड वाइब्रेंट। सिमिलरली म्यूजिक की बात करें तो अन्नू मलिक का म्यूजिक काफी सूदिंग एंड परफेक्ट है ऐसी फिल्मों के लिए। उन्होंने कई कमाल के गाने कंपोज किए हैं जैसे कि मोह मोह के धागे, सुंदर सुशील, दर्द करारा एंड तू। हाँ, फिल्म का टाइटल ट्रैक इन गानों के सामने थोड़ा फीका है। वहीं प्रेम्स थीम एंड बैकग्राउंड म्यूजिक एनहांस द मूड ऑफ द फिल्म। डायरेक्टर शरद कटारिया जिन्होंने भेजा फ्राय जैसी फिल्में लिखी थी कम्स अप विद एन इंप्रेसिव स्टोरी लाइन। ही हाईली सक्सीड्स इन कैप्चरिंग द बेसिक न्यूएंसेस ऑफ द स्मॉल टाउन फैमिली एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली इन एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट ऑफ ट्रू लव। द लास्ट हाफ एन आवर कुड हैव बीन मच बेटर एज इट फेल्स टू मैच अप टू द लेवल ऑफ ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म। अब परफॉर्मेंस की बात करने के पहले हैट्स ऑफ टू आयुष्मान खुराना फॉर चूजिंग सच एन अनयूजुअल स्क्रिप्ट। वे अपना काम काफी खूबी से निभाते हैं एंड जिसके कारण आप उनके पेन एंड एग्नी से काफी कनेक्ट करते हो। वहीं भूमि पेडनेकर इज स्वीट एंड चार्मिंग। वे अपने फीलिंग्स अपने आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से बयां करती है। संजय मिश्रा, शीबा चड्डा, सीमा पावा एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर आउटस्टैंडिंग। दीस सपोर्टिंग एक्टर्स एड अप एज अ ब्रिलियंट पैकेज टू दिस फिल्म एंड शाइन्स इवन इन देयर स्मॉल रोल्स। कैमियो बाय कुमार शानू इज वेलकम। सो पोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? दम वेल, इस फिल्म में ढेर सारा दम है फॉर ऑल दोज हु लव फील गुड फिल्म्स विद स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप ऑफ थीम अटैच्ड टू इट। होल कॉन्सेप्ट, ट्रीटमेंट एंड परफॉर्मेंसेस इन दम लगा के हैशा इज एंजॉयबल एंड विल बी लव्ड बाय द फैमिली ऑडियंस। हाँ, यंगस्टर्स माइट फाइंड देम एलियनेटेड विद द थीम ऑफ द फिल्म। साथ ही सेकेंड हाफ थोड़ा अच्छा होता तो ये फिल्म एक आउटस्टैंडिंग फिल्म साबित होती। नेवरदलेस, अ स्पेशल थैंक्स टू आदित्य चोपड़ा एंड मनीष शर्मा फॉर ब्रिंगिंग अप सच अ यूनिक रोमांटिक टेल व्हिच डिस्प्लेस मोर देन द एक्सटर्नल एंड सुपरफिशियल लव थ्रू दिस स्वीट एंड नीट इंडियन फिल्म। इसके कारण मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। फॉर फुल फ्लेज्ड रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।